हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निखिल वाजपेयी फ्रॉम लखनऊ। आई हैव रिसेंटली क्वालिफाइड जी पैट 2021 विथ एन ए आई आर ऑफ 231। ओके, सो हेयर आई एम कम टू शेयर माई व्यूज और व्हाट आई हैव डन टू प्रिपेयर दैट एग्जाम। सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड दैट हाउ डू वी स्टार्ट द प्रिपरेशन। आखिरकार प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग जी पैट की, लाइक 2022 की। ओके, सो सबसे पहले क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक कोई भी फ्री मॉक टेस्ट देख लो, जैसे कि GDC का हम लोग फ्री मॉक टेस्ट मैंने शुरू किया था वहां से। एंड सबसे पहले ये देखना है कि एग्जैक्टली हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, कि हमें कितना आ रहा है, कितने हमारे MCQ सही हो रहे हैं, या कितना हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, या कितना नेगेटिव हो रहा है हमारा। उसके बाद से जर्नी स्टार्ट होगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, एंड उसके बाद हमें करना ये है कि स्टार्ट करो एक टेस्ट सीरीज को खरीद करके। देखो, सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज को हम खरीदेंगे, देन आफ्टर दैट उसमें डिवाइडेड होते हैं पोर्शंस। पहले से डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये टॉपिक है, तो जो कन्फ्यूजन होता है ना कि कैसे शुरू करो, कौन सी, लाइक फार्माकोलॉजी में हम जनरल से शुरू करें या सीधा ड्रग से शुरू करें, तो उसमें सब कुछ एक सीक्वेंस वाइज दिया होता है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वहां से शुरू करो, देन उसको एक सीक्वेंस में एक शेड्यूल में लेके आना पड़ेगा कि जैसे संडे को हम लोग टेस्ट देंगे, एंड आफ्टर दैट बिफोर क्या नाम है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो अपनी तरफ से। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि हमें कितना आता है, कि लाइक अगर हमारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो हमें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरीके से कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर लगता है कि हाँ नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, हम उतना अप टू द मार्क नहीं है, या हमने शुरुआत से उतना सीरियस नहीं थे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से, सो हम लोग क्या करेंगे कि एक खरीद लेते हैं कि हाँ एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, या ऑनलाइन कोचिंग्स होती हैं, कोई लाइव लेक्चर्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। आई हैव डन द सेल्फ स्टडी ओनली। सो आफ्टर दैट, देन आफ्टर द ज्वाइनिंग कोचिंग और यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी, मेक योर ओन शेड्यूल। देन हम लोग क्या करेंगे या करना क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कॉलजी की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन हो गया, मोड ऑफ एक्शन हो गया, मेनली साइड इफेक्ट्स हो गए, कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक से वैनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है रेडमैन सिंड्रोम, लाइक क्लोरमफेनिकॉल का होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सब चीज़ें एक कॉन्साइज वे में एक शॉर्ट नोट्स बनाने चलनी है। सबसे बड़ी गलती ये होती है हम लोग से कि हम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, सिर्फ पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, सोचते हैं कि आखिरी में रिवाइज हो जाएगा। मेन चीज होती है लाइक प्रिपेयर नाउ बट प्रिपेयर फॉर द रिवीजन आल्सो, ना कि एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ कि हाँ छोटी छोटी चीजें हैं उसको नोट करती जाइए। एक ये नहीं कि थ्योरी लिखना है, थ्योरी नहीं लिखना किसी भी तरीके से, शॉर्ट नोट्स में एक अपने एक फॉर्म में कि हाँ मैं ऐसे समझ सकता हूँ। ओके, देन उससे क्या होगा, लास्ट रिवीजन में जब हम लोग करेंगे तो उससे बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ मेरे पास इतनी चीजें हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़नी। ठीक है, अब बात होती है कि बुक्स की खरीदें या लाइक कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो, सबसे पहले एक पीयूष की मैंने बुक खरीदी थी कि हाँ एक मैटर था कि हाँ यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, मुझे बहुत सारे बुक्स को देखने की जरूरत नहीं है। बट और भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे लैकमैन की टेबल्स होती हैं जितनी भी फार्मास्यूटिक्स में दी हुई हैं, या फार्माकोलॉजी के अंदर रैगनडेल है या KD त्रिपाठी है, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं। एंड इसके बाद अगर MCQs की प्रैक्टिस करनी है फार्माकोलॉजी के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे कि आप स्पार्श गुप्ता यूज़ कर सकते हैं, या वैसे टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट की बात ये होती है जो इट्स नॉट द लीस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। ओके, द कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द हार्डवर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अब बात ये होती है कि कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे, कि लाइक हमारा कॉलेज भी है, सेमेस्टर्स भी हैं, और अब तो कोविड नहीं है ना, तो अभी वैसे आ रहा है, लेकिन हाउ वी कैन से दैट कि हाँ शायद लॉकडाउन नहीं होगा वैसा जैसा पहले हो चुका था। हम लोग को टाइम मिला कि काफ़ी हम लोग घर पे रह करके पढ़ पाए,
बट कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो नॉर्मल, या कोई एक फ्रेंड बना लो जिससे आप डिस्कस कर सको चीजों को कि हाँ मेरा शेड्यूल ये है कि तुम इतना कर लेना मैं इतना कर लूंगा एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस दैट। या एक ग्रुप होते हैं जैसे हमें विकास सर ने काफी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया टू प्रिपेयर दैट थिंग्स एंड वी आर लाइक बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को मिले सॉल्व करने को डेली बेसिस पे। सर हम लोग को क्वेश्चन कराते थे लगातार नॉन स्टॉप लाइक आवर्स में, हम लोग 2-4 घंटे 5 घंटे दिन में 500-500 क्वेश्चन 600-600 क्वेश्चन कर लेते थे हम लोग लास्ट टाइम्स में। सो क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि देखो थ्योरी कितना भी पढ़ लो बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरकार आएंगे तो क्वेश्चन ही। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे डर जाते हैं कि नहीं यार कैसे होगा, सबसे बड़ी बात होती है देखो इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, मुझे सबसे एग्जाम ईजी ही लगा ये। एग्जैक्टली क्या है 125 क्वेश्चन है, 3 घंटे हैं, आपको अटेम्प्ट कितना करना है अप्रॉक्सीमेटली 80-90 तक अटेम्प्ट करना है, उसमें नेगेटिव होगा 20-30 मान लीजिए। तो एग्जैक्टली मैंने भी 84 अटेम्प्ट किया था जिसमें 17 नेगेटिव हो गया 66 पॉजिटिव था, तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ गई। ओके सो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है इसमें, या एग्जैक्टली रिजल्ट सिर्फ 55-50% तक जाता है, इस बार कट ऑफ 186 गया, अदरवाइज मे बी नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा बट इतना भी ज्यादा नहीं होगा। सो इजी है, कोई जीपैट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए कंसिस्टेंट रहेंगे एंड हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो बी कंसिस्टेंट प्रिपेयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।